हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी कीवी जैम। तो आइए चलते हैं उसको बनाने के लिए। हमने ये 7 अदद जो है वो कीवी ली हैं। आप जितनी ज़्यादा चाहें उतनी बना सकते हैं, हर चीज़ को आप डबल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए 7 कीवी ली हैं हमने। 7 कीवी के लिए ली है हमने 1 प्याली चीनी, थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर है हमारे पास, जेलेटिन पाउडर है जो हम बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ करेंगे, और उसके बाद है हमारे पास सिट्रिक एसिड यानी टार्टरिक जो हम एक चुटकी लेंगे। तो इसको हम धोते हैं, धो के इसको काट के और ब्लेंड करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, कीवी हमने अपनी ब्लेंड कर ली है, अब हम चलते हैं इसको बनाने की तरफ। हमने अपना पैन जो है वो फ्लेम पे रख दिया है, फ्लेम जो है वो मीडियम पे है। इसको अब हम थोड़ा सा कुक करेंगे और बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद हम चाशनी बनाएंगे फिर इसको ऐड करेंगे। कीवी फ्रूट है इसलिए इसको बिल्कुल भी ओवर कुक आपने नहीं करना। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने की तरफ। अच्छा जी, अब हम पैन में अपने कीवी का जो सेल्स है हमारा शामिल करेंगे। इसकी बहुत अच्छी स्मेल आ रही है फ्रूट की, बहुत ही हेल्दी बेनिफिट्स हैं इसके कीवी के। आप अपने बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, आप खुद खाएं, डेली रूटीन में रखें। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। बच्चे अगर आपके कीवी वैसे खाना पसंद नहीं करते तो आप उनको जैम बना के दें इस तरह से, तो वो जैम जरूर खाएंगे। इसमें इसके चंक्स भी आएंगे, बिल्कुल हमने इसको ब्लेंड नहीं किया है। थोड़ा सा फ्लेम हम मीडियम पे करते हैं और इसको थोड़ा सा कुक करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए कीवी हमारी जो है वो अच्छे से कुक हो गई है। इसका पानी जो है एक्स्ट्रा जो है रिमूव हो गया है वो सारा, और अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर, बिल्कुल थोड़ा सा। हम देखेंगे कि हमें कितना ग्रीन चाहिए, हम उतना ग्रीन रखेंगे। आपको तेज पसंद है आप तेज कलर कर सकते हैं, लाइट पसंद है लाइट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं सिर्फ इतना ही ग्रीन रखूंगी इसको। बहुत ही अच्छा ये पैरेट ग्रीन इसका कलर आया है। इसको अब हम डिश में ट्रांसफर कर देंगे और चलेंगे खीरा बनाने की तरफ। अच्छा जी, हमने अपना पैन जो है वो दोबारा रख दिया है। इसके अंदर हमने 1/2 कप पानी लिया है और हमारी जो ये 1 कप चीनी थी ये इसके अंदर जाएगी। इसकी अब हम 2 तार की चाशनी बनाएंगे। इसको बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे मत करिएगा, स्लो फ्लेम पे बिल्कुल आराम से इसको होने दें, कोई जल्दी नहीं है। जितने स्लो पे आप काम करेंगे उतना ही आपका जैम अच्छा बनेगा। अच्छा, सिट्रिक एसिड हमने आपको बताया था कि इसमें डालेंगे इस स्टेज पे जब हमारी स्ट्रॉबेरी जो वो सॉरी हमारी जो कीवी है वो रेडी हो चुकी है, तो उसको हम टेस्ट करेंगे। अगर उसमें हमें खटास लगेगी कि हाँ ये खट्टी है तो फिर हम सिट्रिक एसिड नहीं डालेंगे, और अगर हमें लगता है कि इसमें जरूरत है तो हम 1 पिंच बिल्कुल इसके अंदर शामिल करेंगे। तो ये हमारा खीरा बन रहा है। अच्छा जी, हमने जो है ये 2 पिंच जेलेटिन लिया है और हमने ये 2 टेबल स्पून पानी में डाल दिया है। ये थोड़ी देर में डिजोल्व हो जाएगा, जब तक हमारा शीरा बन रहा है हम इसको बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे जब तक ये डिजोल्व हो जाएगा, इसलिए हमने इसको 10 मिनट पहले ही पानी में डाल दिया है। अच्छा जी, चाशनी जो है वो हमारी हो चुकी है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर अपना कीवी प्यूरी जो है वो शामिल करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे भी अगर आपको कलर की कमी लगती है तो आप ऐड कर सकते हैं। हमने इसको चीनी के साथ मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे क्योंकि हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है। इस स्टेज पे हम इसे टेस्ट करेंगे। सिट्रिक एसिड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसलिए हम वो शामिल नहीं करेंगे। इसको हम कम से कम 5 मिनट्स जो है वो कुक करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, 2 मिनट्स हुए हैं अभी इसको पकते हुए। ये जो हमने जेलेटिन अपना पानी में करके रखा, बहुत अच्छी आ रही है, तो इसका हम इस वक्त फ्लेम बंद कर देंगे, इसको ठंडा करेंगे
और फिर इसको सर्व करेंगे। अच्छा जी, ये देखिए जैम जो है हमारा रेडी हो गया है बिल्कुल। इसकी थिकनेस देखिए, बहुत ही जबरदस्त बना है ये। आप चाहे तो फ्रिज में रख के भी इसको ठंडा कर सकते हैं। और हम इसको, हमारे पास ये एक जैम की बोतल जो है छोटी खाली पड़ी थी, इसके अंदर हम इसको डालेंगे और चलते हैं इसकी सर्विंग की तरफ। चलिए इसको हम जैम को अपने ट्रांसफर करते हैं बोतल में। बहुत ही अच्छी इसकी थिकनेस आई है और जैम की जो है वो खुशबू आ रही है, बेहद मजे की खुशबू आ रही है इसके अंदर से। ये देखिए जी, ये हमारी जैम रेडी हो गई है। इसको हम अपनी किसी और बॉटल में ट्रांसफर करेंगे। और ये देखिए जी, हमारा कीवी जैम जो है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार रेडी हो गया है। ये देखिए जी, इसका कलर, इसकी थिकनेस, इसका टेक्सचर बेहद मज़ेदार। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद फूड है। और बाकी के फूड्स के लिए हम आपको जैम बताएंगे, लेकिन आज हमने जो आपको जैम बताई है ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस मौसम में कीवी जो है बहुत ज़्यादा आ रही है, तो अपने बच्चों को लाजमी खिलाएं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हमारे नए देखने वाले हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो पिछली रेसिपीज हैं वो आप तक पहुँच सकें और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह हम आगे भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और अगर हमारे मुस्तकिल सब्सक्राइबर हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी करें कि आपको हमारी रेसिपी ये कैसी लगी। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे अपनी किसी और अगली अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।